अब बात करते हैं भोपाल की, जहां कटारा हिल्स इलाके में इकोलॉजिकल पार्क पर बने तालाब में 7 साल का बच्चा डूब गया है। बताया गया है कि घर से घूमते घूमते बच्चा पार्क में पहुंच गया था। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 8 बजे बच्चे का पिता पार्क में बेटे को तलाश रहा था। इसी बीच तालाब के पास बेटे के कपड़े दिखे। पानी में उसका शव उतराता हुआ दिखा था। पिता ने तुरंत ही बेटे को निकाला, तब तक देर हो चुकी थी। वह परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अमरावर्त खुद का रहने वाला राम अहिरवार श्रमिक है। मंगलवार को वह पत्नी ज्योति के साथ काम पर चले गए थे। घर में उनका 7 साल का बेटा देव अहिरवार अपनी 5 साल की बहन के साथ घर में था। शाम को राम घर लौटे तो बेटा देव नहीं दिखा। वह तलाशते हुए इकोलॉजिकल पार्क पहुंचे, जहां पार्क के अंदर जानवरों को पानी पीने के लिए खोदे गए तालाब के पास उन्हें बेटे के कपड़े दिखे। पास जाकर देखा तो देव का शव पानी में उतराता दिखा। उन्होंने तुरंत ही बच्चे को बाहर निकाला। राम ने बताया कि पार्क से उनका घर करीब 200 मीटर दूर है। मोहल्ले के बच्चे पार्क की तरफ घूमते रहते हैं। मंगलवार को उनका बेटा घूमने आया होगा। वह तालाब में नहाने के लिए उतरा होगा। तालाब में करीब 5 फीट गहरा पानी है। राम ने बताया कि बेटे से तैरना नहीं आता था। वह मोहल्ले के बच्चों के साथ पार्क आया होगा, हालांकि उसे किसी ने तालाब की तरफ जाते नहीं देखा था। 7 बजे तो बच्चा घर में नहीं मिला, तो फिर आप कहाँ तलाशने गए? उसे गांव में तलाश रहे थे, किसी के घर बैठा। फिर कहाँ मिला बच्चा? बच्चा तालाब में। कपड़े उपड़े बाहर उसके रखे जी।